और माननीय राजा भैया चुनाव के दौरान हमेशा कहते थे कि आप लोग प्रचार करने जाइए, अगर कोई खेत में भी काम कर रहा है तो आप उसके पास जाइए। कि विनोद जी नहीं है विधायक, हम लोग विधायक, अपने आप को सब आदमी यहाँ विधायक समझता है। राजा भैया जो है गरीबों के मसीहा हमेशा थे हैं। देखिए उत्साह का मतलब यह है कि आदमी नेता बदलता है, अपने परिवार, अपना सग भाई, अपने चाचा, अपने पिता नहीं बदलता है। राजा भैया जो है हमारे परिवार के हैं। बड़ी बात कह रहे हैं, ये हमारे परिवार के हैं, कोई इनको बदला नहीं जाएगा, हम लोग हमेशा इनके तत्पर रहेंगे। और कुंडी हमेशा के लिए लग गई है, प्रत्याशी जो बोल रहे थे उनकी भी कुंडी हो गए, वो पागल हो गए, बिस्तर पे पड़े हुए हैं। शादी ब्याह हर चीज दवा दारू हमारे आपकी। राजा भैया हमारे सबके लिए मसीहा, जो भी संकट पड़ता है हमारे भैया राजा भैया हमारे दुख सुख में वो साथी रहते हैं और हमारे देश का उन्होंने शान है। दादा हमारे वीडियो में जो लोग देखते हैं ना, कहते हैं गरीब आदमी बोलता नहीं डर के मारे, तो आप बोलिए आपके लिए। नहीं राजा भैया हाथ पकड़ के सभी गरीब का इज्जत करते हैं। अरे कुंडी वो राजा भैया का कोई पैदा नहीं है देश में कुंडी लगाने का। दोस्तों नमस्कार, इस समय मौजूद है बेती महल राजा भैया की कोठी है, कुंडा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे हम जनता जनार्दन उनसे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग उत्साह में आ रहे हैं। कल रिपोर्टिंग का मेरा भी गला बैठ गया है, लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आयुष सिंह, बाबागंज से। बाबागंज विधानसभा विनोद सरस्वती जितवा दिए 15,000। जी 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 जी। कैसा उत्साह है, इतनी भीड़ आ रही है, क्या मानते हैं, क्या वजह मानते हैं, जीतने का क्या कारण है? माननीय राजा भैया जी का एक मूल मंत्र है कि जन सुलभ रहना, सर्व समाज के लिए काम करना। और माननीय राजा भैया चुनाव के दौरान हमेशा कहते थे कि आप लोग प्रचार करने जाइए, अगर कोई खेत में भी काम कर रहा है तो आप उसके पास जाइए। क्योंकि मैं भी छासंग का चुनाव लड़ चुका हूं, एक बार मैं महज 11-12 वोटों से हार गया था छासंग अध्यक्ष का चुनाव। इसके बाद मुझे तकलीफ हुई कि नहीं, अगर मैं 12-15-20 और लोगों से मिला होता तो शायद आज मैं चुनाव जीत कर बैठता। और माननीय राजा भैया जी का हमेशा से यही कहना है, अगर कोई आप 10 लोगों से मिल रहे हैं, एक लोग अगर खेत में काम कर रहे हैं तो 10 लोगों से मिलिए उनके घर पर जा करके, लेकिन उनके खेत में भी जा करके उस एक इंसान से जरूर मिलिए। जीतने की वजह यही मानते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, काम आते हैं, यही है। जी जी जी। यहाँ का हर एक आम आदमी अपने आप को सब यूँ समझता है कि विनोद जी नहीं है विधायक, हम लोग विधायक, अपने आप को सब आदमी यहाँ विधायक समझता है। जनसत्ता अभी आपने कहा, हम सुन रहे थे काफ़ी देर से कि आपने कहा कि अभी तो 2 सीट है और प्रदेश में कैसे आगे फेस करेंगे, कैसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे माननीय राजा भैया जी को। तो इस चैनल के माध्यम से पहली बात तो पूरे मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही चलना नहीं सीख जाता है, दौड़ना नहीं सीख जाता है, पहले गिरता है, लड़खड़ाता है, डगमगाता है, फिर चलता है और दौड़ता है। और हमारे माननीय राजा भैया जी के पास तो 25-30 सालों का राजनीतिक अनुभव है। हम लोग 2022 में मजबूती के साथ उभर करके सामने आए। आप चुनाव का ग्राफ उठा करके देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां चूरन हो गई हैं साहेब, सिर्फ एक प्रत्याशी जितवा पाई हैं। और हमारे क्या नाम है आपके? आ गया जी, गौरव त्रिपाठी। गौरव त्रिपाठी कहाँ से आए हैं जी? हम ये बगल में पड़ता है पुण्यमऊ क्षेत्र, हमारा बगल 1 किलोमीटर, वहीं से हमारा निवास स्थल वहीं है। राजा भैया जितवा दिए, खुश हैं जी? खुश घर, हमारे राजा भैया जो है गरीबों के मसीहा हमेशा थे हैं और हमेशा रहे। अंतर कम हो गया थोड़ा सा? नहीं अंतर तो देखिए, वोट भी तो कम पड़ा है ना भाई, वोट परसेंटेज आप देखिए तो आपकी पता लग रहा है 52% है, पिछली बार 59% था। नहीं वोट 1,84,000 कुछ वोट पड़ा है, इस वजह से तो वोट कम है, तो इसीलिए तो कम होगा ना, नहीं तो होता तो आता नहीं। क्या मानते हैं जिस तरह उत्साह है लोगों में आने वाले समय में, कैसे देखते हैं, क्या क्या उत्साह? देखिए उत्साह का मतलब यह है कि आदमी नेता बदलता है, अपने परिवार, अपना सग भाई, अपने चाचा, अपने पिता नहीं बदलता है। तो हमारे जो है राजा भैया जो है हमारे परिवार के हैं। बड़ी बात कर रहे हैं, ये हमारे परिवार के हैं, कोई इनको बदला नहीं जाएगा, हम लोग हमेशा इनके तत्पर रहेंगे जी। आगे दादा क्या नाम है आपका? दादा हमारा जी सर रैयापुर ग्राम सभा है जी, हमारी सफारी फारी पहन के हमारे यहाँ के विनोद विधायक हैं जी, उन्हीं के गांव के हैं, वो हमारे साथ बहुत अच्छा राजा भैया ने काम कर रहे हैं कि हर पल हर जगह पर वो हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए मैं राजा भैया का गुणगान इसलिए गाता हूँ हर समय। युवा है आप, कैसे देखते हैं जी? राजा भैया गरीबों के मसीहा हैं और क्या बोलते हैं, हमारे लोग की दिल की धड़कन है, ये चाहते हैं कि 2027 आने वाले में राजा भैया मुख्यमंत्री चेहरे में आएंगे। अच्छा मुख्यमंत्री बता दो। जुगनू पांडे। कहाँ से हैं? बागरा छतार से।
कुंडी लगाने का बयान वहीं दिया था अखिलेश यादव जी 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 लगा दिए कुंडी अखिलेश यादव को कुंडी लगा दिए लग गई है और कुंडी हमेशा के लिए लग गई है। प्रत्याशी जो बोल रहे थे उनकी भी कुंडी हो गए वो पागल हो गए बिस्तर पे पड़े हुए हैं बिस्तर पे पड़े हुए हैं अंदर की बात बता हाँ अंदर की बात पे वो कलिए से पड़ गए हैं वो क्या नाम है बस हम नहीं बोल पाए नहीं बोल पाएंगे स्पेशल नो नहीं आप गाँव की निवास इससे मतलब नहीं राजा हमारे खास हैं हाँ जो उन्होंने किया है हम लोग के पीछे गांव वालों के पीछे कोई नहीं कर सकता और अगर हम लोग ऐसे चाहते रहेंगे अच्छा, आपके गांव में भी काम वाम हुआ है काम हो रहा है हाँ ऐसा नहीं है लोग कहते हैं कि राजा भैया क्या किए हैं वो बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं क्या किया है हाँ कुछ योजनाएं तो पहुंच नहीं पाती है जो बीच के बिचौलिए हैं नहीं हमारे राजा भैया बताइए शादी ब्याह हर चीज़ दवा दारू हमारे आपके हिसाब से मैं तो कई गाँव में गया हूँ आपके तो लोग बोलते हैं बेटी की शादी में मदद करते हैं और ये कोई बीमार हो गया बीमार हमारी माँ बीमार हो गई थी लखनऊ में दवाई स्वयं मार आपकी भी कहानी से जुड़ी हुई है बिल्कुल हमारे मौसिया कोई अपनी समस्या बताता है कि हमारी मदद हमारे लिए वो भगवान हैं अब ये अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हमारे लिए स्पेशल उन्होंने हमारी माता के इलाज में 7 लाख रुपया खर्च किया है बड़ी बात रहने के लिए विधायक आवास अस्पताल आने जाने के लिए एम्बुलेंस बात कर रहे हैं आज के समय कोई सुनता नहीं और मैं यही कहता हूं कि सभी लोग ऐसे कार्य करते रहें और राजा भैया का मनोबल बढ़ाते रहें क्या नाम है दादा हाँ भैया राजा भैया हमारे सबके लिए बचिया जो भी संकट पड़ता है हमारे भैया राजा भैया हमारे दुख सुख में वो साथी रहते हैं और हमारे देश का उन्होंने शान है भैया हमारे देश का शान है मान है सब कुछ हम राजा भैया का समझते हैं दादा हमारे वीडियो में जो लोग देखते हैं ना कहते हैं गरीब आदमी बोलता नहीं डर के मारे तो आप बोलिए आपके लिए नहीं राजा भैया हाथ पकड़ के सभी गरीब का इज्जत करते हैं राजा भैया ने जितनी इज्जत करते हैं कोई विधायक से नहीं पाते हमारे यहाँ तो जो मांग किया जाता है जो भी संकट में पड़ता है आँखी खोलाने के लिए कोई भी हर मदद में सब में राजा भैया दुख सुख में सब में साथी हैं कोई ऐसा नहीं है रीजन की जिसमें साथ बिल्कुल राजा भैया के प्रथम सब कुछ है हमारा राजा भैया हमारा कलेजा है राजा भैया अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कुंडी लगा देंगे अरे कुंडी वो राजा भैया का कोई पैदा नहीं है देश में कुंडी लगाने का जब भर राजा भैया आबाद रहेंगे तब भर कुंडा आबाद रहेगा कोई कुंडी लगाने वाला नहीं तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं एक बुजुर्ग हैं गांव की कौन सा गांव बताया आपने करमगंज से आए हैं लोग कहते हैं दलित शोषित वंचित जो है दब के बोलता नहीं खुलेआम बोल रहे हैं राजा भैया आपके लिए काम करते हैं राजा भैया हमारा सब कुछ सुने नहरिया बनवा दिया हमारे गांव में पुल बनवा दिया सड़क बनवा बात नहीं करते कुछ नहीं भैया।